हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। ये बड़ी पुराना मंदिर है राम हनुमानगढ़ी। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी हम अयोध्या में हैं। ये रहा सामने में हनुमानगढ़ी जाने का रास्ता। एक और यहाँ भी मंदिर है। तो सबसे पहले चलते हैं राम जन्मभूमि की तरफ, राम मंदिर की तरफ, जो कि अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है, तो मोबाइल से पहले जमा करेंगे, उसके बाद अंदर चलेंगे। अभी मैंने ये भंडारे का कूपन भरा, इसमें नाम, आधार, पैन और एड्रेस है, उसके बाद आके यहाँ पे जमा करना है और उसके बाद इसके अंदर में जाके भोजन प्राप्त करना है। तो काफ़ी मस्त है यहाँ पर प्रोग्राम। सामने में यहाँ पे जो है 12 बजे राम मंदिर का द्वारा बंद हो जाता है, उसके बाद 2 बजे खुलता है। अब तो यहाँ से हम लोग चलते हैं हनुमानगढ़ी और उसके बाद चलेंगे वापस। ये सब कुछ खाने हैं अंदर जाके, अंदर का जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है काफ़ी भव्य है और काफ़ी शानदार देखने में। इसका जो ओपनिंग है अगले साल होगा और अभी तक तो एक ही माला है, उसके बाद
काम आगे भी चलेगा, बस 2-3 साल लगेगा उसको पूर्ण रूप से बनने में। तब तक के लिए अब हम लोग हनुमान गढ़ी सामने आ चुके हैं, जिसके लिए है हनुमान मंदिर। चलिए सामने से दिखाते हैं इसका। हम लोग चलते हैं रामगढ़ी मंदिर के अंदर, क्योंकि काफ़ी मस्त है यहाँ पे। ये जो है हनुमानगढ़ी का गर्भगृह है, जैसे अंदर से काफ़ी खूबसूरती है इसमें। और अभी जो सामने का है उधर, और इधर से घूम के जाना होता है सामने, तो इधर से घूम के अब चलते हैं हम लोग सामने की ओर। को ही ज़्यादा भीड़ लगता होगा, जो काफ़ी भारी मात्रा में लगता है। ऐसे कहीं बंद ना कर, पुलिस कर्मचारी भी हैं। ये मंदिर का ऊपरी भाग है, काफ़ी बेहद खूबसूरत है यहाँ का। चलते हैं हम लोग यहाँ से बाहर, और भी काफ़ी जगह है घूमने का, वहाँ देखते हैं और निकलते हैं अब आगे, क्योंकि देर होने के कारण वापस गोरखपुर भी जाना है हम लोग को। इसलिए अब हम लोग बाहर की ओर चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। और सामने में भी मंदिर है, जो कि ये काफ़ी मस्त है ऊपर से लेकर नीचे तक का, लेकिन ये पुराना है। और अब हम लोग यहाँ से चलते हैं वापस, और काफ़ी देर हो गया है, 1:30 बज चुका है, और हम लोग को 3 बजे से 6-7 बजे तक गोरखपुर भी पहुँचना है, उस कारण से।
तो इधर आए हैं और इधर से शायद इधर जाना है। चलते हैं पहले गाड़ी जहाँ पे लगाए हैं वहाँ, उसके बाद चलेंगे। काफ़ी मस्त रहा है यहाँ का, और अगर अयोध्या घूमने हैं कम से कम यहाँ पे 2-3 दिन नॉर्मली केवल मंदिरों के लिए। इसके अलावे काफ़ी समय है, आप पूरा अयोध्या घूमिए, अयोध्या का भ्रमण कीजिए। जब राम मंदिर बन जाए तो उसके बाद तो और भी ज़्यादा होगा, उसके बाद और भी ज़्यादा भीड़ होगी। तो तब तक के लिए चलते हैं और मिलते हैं आप सबसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए यहीं।